नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर छिड़ी सियासी जंग की, सियासी संग्राम की। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले 2023 में ही केंद्र सरकार की एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी के गठन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इंडिया गठबंधन के सभी दल केंद्र सरकार की इस पहल को सियासी दाव बताकर हमला करते नजर आ रहे हैं। इसी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बीजेपी वालों ने नया शिगुफा छेड़ा है। नीतीश कुमार कहते नजर आए कि मुझे पहले से ही शक है कि केंद्र सरकार पहले ही चुनाव करा देगी, और इसी कड़ी में सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अब फ्रंट फुट पर आकर अटैकिंग मोड में दिख रही है। फिलहाल लोकसभा सीटों के मामले में एनडीए की मौजूदा स्थिति इंडिया गठबंधन से काफी मजबूत है। अब सवाल ये कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन किस पहल का इंडिया गठबंधन क्या तोड़ निकालता है? क्या मोदी एक बार फिर से अपने हैट्रिक पूरी कर पाने में सफल हो जाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। लेकिन उससे पहले किस तरह के बयान वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हुए मिल रहे हैं, पहले उस पर डालिए नजर। पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सर्वदलीय से बातचीत करना उचित नहीं है? क्या एनडीए में उन्होंने अलग अलग दलों से बातचीत की है? तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। आप देख लीजिएगा कि दो हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली ये विषय खत्म हो जाएगा। बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम तो पहले ही से ना, मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। वन नेशन वन इलेक्शन एक बेहतरीन पहल हुई है, ये न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। तो चलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही आज एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या वाकई ये राष्ट्रहित के लिए है या फिर सिर्फ ध्यान भटकाने का एक शिगुफा सरकार की तरफ से छेड़ा गया है, आज इस पर विश्लेषण करेंगे।